हेलो माय डिश माय तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पनीर की सब्जी। इसके लिए हमने 200 ग्राम ताजा पनीर लिया है और इस पनीर को अभी बनाना शुरू करेंगे। बनाने के लिए जो अन्य सामग्री है वो इस प्रकार से है। एक बड़ा चम्मच दही का लिया है और इसे बनाने के लिए आज हम शुद्ध देसी घी का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ ही हमने दो शिमला मिर्ची को ग्राइंड कर लिया है और एक सादी मिर्च है इसके साथ ही। साथ ही हमने तीन बड़े प्याज जिन्हें हमने मिक्सी में मिक्स कर लिया है और चार टमाटर जिनका पेस्ट तैयार कर लिया है। और इसे बनाने के लिए मसाले में 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और इसके तड़के में हम करी पत्ता काम में लेंगे। करी पत्ता से यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके लिए जीरा और मेथी काम में लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है और थोड़ी कसूरी मेथी हम काम में लेंगे और 1 गिलास पानी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लगभग 200 ग्राम पनीर है, इसके छोटे पीसेस बना लें। इस तरह से ये देखिए आसानी से कट रहा है और आपने इसको छोटे पीसेज में कट कर लेना है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, सभी इसको बड़े ही चाव से खाएंगे। और इस तरह से काटने के बाद इसको दूसरी तरफ से इसके दो दो पीसेज और बना लें। देखिए बहुत ही आसानी से कट रहा, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है हमारा। आप चाहें तो इसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, परंतु आप इतने ही बनाएंगे। पनीर को सॉफ्ट बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा नमक डाल लेते हैं, जिससे हम जब इसको फ्राई करेंगे तो सॉफ्ट ही रहेगा। और थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, साथ ही थोड़ी हल्दी डाल देंगे। इससे यह है पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी को लगा लेंगे। ये देखिए गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई रख दी और इसमें हम घी डालेंगे। घी डालने के बाद घी को अच्छे से गर्म होने देना है और इसके बाद हमने जो पनीर तैयार कर रखा है वो इसमें डाल देंगे। और पनीर को हल्का फ्राई करना है, एकदम से बहुत ज्यादा फ्राई इसको नहीं करना है। और इस तरह से नमक और ये मसाले डालने के बाद पनीर को भी फ्राई करते हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट सब्जी बनकर के हमारे तैयार होती है। इस तरह से इनको मुश्किल से 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इनको ब्राउन भी नहीं होने देना है, उससे पहले निकाल लेंगे। बस इसकी जो नमी है उसको ख़त्म करना है, इतनी देर के लिए इसको पकाना है। ये देखिए अब जो हमारी पनीर की सब्जी बनेगी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। देखिए प्याज को बहुत ही सॉरी पनीर को बहुत ही हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकने को कम करने के लिए इसको पकाया जाता है। और ये सॉफ्ट रहे इसके लिए इसके नमक और थोड़े मसाले डाल करके पकाते हैं। ये देखिए आसानी से इसको हम निकाल पा रहे हैं। अब ये जो हमारा घी कढ़ाई के अंदर बच गया है उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया वो भी डाल देंगे। देखिए प्याज मिर्ची थोड़े से पकने में आ गया, अब इसमें राई और मेथी डाल देंगे। इस स्टेप पर यदि आप राई मेथी डालते हैं तो इनका बहुत ही ओरिजिनल टेस्ट बनता है। साथ ही हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर आने लगती है। इस तरह से बराबर गैस का फ्लेम हाई करते हुए इसको पका लेंगे, जिससे प्याज के अंदर जो नमी है वो बिल्कुल भी न रह पाए। प्याज के पकने पर ही इसकी वो ग्रेवी निर्भर करती है, इसलिए प्याज और ये जो हरी मिर्ची है इनको अच्छे से पकाएं। देखिए थोड़ा पकने लगा है, इसमें 2 लौंग और 2 इलायची को कूट करके हम डाल देंगे। लौंग और इलायची से ये जो पनीर की सब्जी है बहुत ही टेस्टी लगती है। और गैस का फ्लेम मीडियम और हाई करते हुए आप इसको चलाते रहेंगे लगातार। इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से आप चलाते रहें, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और एकदम से ये मूंग के हलवे जैसे लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहे हैं और अभी हमारे पक कर के तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद वापस इसको पकाएंगे। इस तरह से यदि आप पकाते हैं तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर के हमारी तैयार होती है। एक बार इसको फिर से पकने देंगे, इसमें समय लगता है लेकिन ये ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए एकदम से खिल गए, बिल्कुल चावल जैसे लग रहे हैं, खिले खिले बिल्कुल प्याज बन गए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी मिर्ची नमक और धनिया, इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये वापस जब घी छोड़ने लग जाए तब तक इनको पकाते रहेंगे।
सकती है। इस तरह से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी आप अपने किचन में तैयार कर सकते हैं। जैसे हम होटल और ढाबे में खाते हैं वैसे ये पनीर की सब्जी बनकर के हमारी तैयार होने वाली है। देखिए अब घी छोड़ने लग गया है और इसमें हमने जो टमाटर की प्यूरी बना रखी है वो इसमें डाल देंगे। टमाटर की प्यूरी से बहुत ही टेस्टी बनती है। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको पकाएंगे। साथ ही दही से भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। दही डालने के बाद इसको हम बराबर चलाते रहें। दही और टमाटर की दोनों की खटाई का अपना अपना स्वाद होता है, इसलिए इस सब्जी को और टेस्टी बनाने के लिए आप टमाटर के साथ ही दही भी जरूर डालें और इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। देखिए बराबर इसको चलाते जब तक ये वापस घी नहीं छोड़ने लगे तब तक हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसको पकाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबूदार ग्रेवी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब ये वापस घी छोड़ने लगी है। अब हम अपनी आवश्यकता अनुसार पानी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए एक गिलास हमने पानी लिया है वो डाल करके और इसको थोड़ा चला देंगे और पानी को उबलने देंगे। इसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, पानी को अच्छे से उबलने देना है। इसी से हमारी ग्रेवी बनकर के तैयार होगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबूदार ग्रेवी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब इसमें हम ने जो पनीर को फ्राई कर रखा है वो हम डाल देंगे इसके अंदर और ये पहले से ही पका हुआ है वैसे, इसलिए एक या दो मिनट के लिए ही इसको इसमें अच्छे से मिक्स होने दें। और साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे। ये देखिए पनीर की जो सब्जी है बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि इसे ज्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हरे धनिया से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। अब हमारी ये सब्जी बनकर के तैयार होगी। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए पनीर की सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। आप अपने किचन में इस तरह से पनीर की सब्जी अच्छे से बना सकते हैं और मिलावटी जो बाजारों पर है उससे आप बच सकते हैं। ढाबे के स्वाद वाली ये है पनीर की सब्जी। अपने घर में बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं और अब आप इसे चावल रोटी पूड़ी या पराठे के साथ में खा सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। पनीर की सब्जी बनाने की रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, धन्यवाद।